गुड मॉर्निंग क्लास 5th। हमने लास्ट वीडियो में परसेंटेज का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। परसेंटेज का सिंबल क्या होता है, परसेंटेज होता क्या है, ठीक है। आज हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 9.1। 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट इज शेडेड एंड व्हाट परसेंट इज अनशेडेड इन द फॉलोइंग। इसमें शेडेड का परसेंट क्या है और अनशेडेड का परसेंट क्या है। शेडेड मतलब बच्चों ये जो जैसे इसमें लाइट ग्रीन सा शेड किया हुआ है, इसमें लाइट ब्लू है और ये लाइट पिंक है। तो पहले हमको शेडेड का परसेंट निकालना है, ठीक है। तो शेडेड कितना है ये देखते हैं हम। अब पहले टोटल देख लेते हैं हम, ये 100 होगा। एक मिनट काउंट करके दिखाती हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 रोज है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 भी कॉलम है, जो 10 ही रोज है और 10 ही कॉलम है। तो टोटल कितना हुआ बच्चों, 10 मल्टीप्लाई 10 100। तो इस जो ये जो स्क्वायर शेप है इसमें कितने स्क्वायर हैं, अंदर 100 स्क्वायर है। अब 100 में से पूछ रहा है ये, शेडेड परसेंटेज हमेशा 100 में से निकलेगा। शेडेड कितने, अनशेडेड कितने, तो शेडेड हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो बच्चों शेडेड हो गया 25%, ठीक है। अब 100 में से 25 गया तो कितना आया, या 25% कितना हुआ, 75। और चाहो तो आप ये पूरा काउंट कर लो अनशेडेड, ये 75 आएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। 25 शेडेड, 75 अनशेडेड। नाउ सेकंड है, फिर अगेन काउंट करते हैं। इसमें भी 100 ही है, ये भी 100 ग्रिड्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 कॉलम, रोज कितनी शेडेड है, 1 2 3 4 5, मतलब 10 5 50। तो शेडेड कितना हुआ बच्चों, ये 50%, ठीक है। और अनशेडेड कितना हुआ, 100 का है, 1 2 3 4 5, तो अगेन 5 मल्टीप्लाई 10 50, 50% अनशेडेड। नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10% शेडेड है। अब 100 में से 10 गया तो ये अनशेडेड कितना बचा, आप चाहो तो काउंट कर लो, ये हो गया 90, ओके। तो इस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं। इसके बी पार्ट पे हम आते हैं। इन दीज 10 मल्टीप्लाई 10 ग्रिड्स शेड द फॉलोइंग। ये अगेन वही 10 मल्टीप्लाई 10, 10 रोज 10 कॉलम, 10 मल्टीप्लाई 100 का वो है स्क्वायर। तो इसमें कैसे करेंगे बच्चों, व्हाट परसेंट ऑफ ईच अनशेडेड, ठीक है। तो अनशेडेड कितना होगा, ठीक है, 70% को अगर हम शेड कर देंगे। मेरे पास अभी पेन है, 1 2 3 7, एक में 10 है कॉलम, तो 70 कितने में हुए, 7 में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो बच्चों यहां तक आप शेडेड कर दो इसको, ठीक है, पेंसिल से मैं जस्ट डॉट लगा रही हूँ। ये पूरा आप शेड कर देना, इसको फिल कर देना पेंसिल से, कलर पेंसिल से, जिससे भी आपको करना है, ओके। तो ये 70% शेडेड हो गया। अब ये पूछ रहा है अनशेड कितना हुआ, 100 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना बचा बच्चों, 100 माइनस 70 30। तो ये हो गया आपका आंसर फर्स्ट का, 30% अनशेडेड, ओके। सेम हम करेंगे, 33% आप शेड कर दो 33 को, 1 2 3, मैं एक में 10 है, 20, दो में, तीन में 30, और 33 के लिए 1 2 3। तो बच्चों ये तीनों लाइन और ये इसका 3 स्क्वायर, ये आप शेडेड कर दोगे तो कितना बचा हमारे पास अनशेडेड, 100 माइनस 33, ओके। तो ये हो गया हमारा 67%, ओके। लास्ट है हमारा 92%। 92% आप शेडेड करोगे मींस कितनी लाइन हो गई, एक में 10 है, 9 में 90 हो गई, और दो और कर दो आप, तो कितनी बची बच्चों अनशेडेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओनली 8% इज अनशेडेड, ठीक है। इस तरह से आपको करना है बच्चों। तो आप आज ही खुद अपनी बुक में करेंगे, कॉपी में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, करना चाहो तो कॉपी में कर लेना। 100 आपको बनाना है, किस तरह से बनाओगे आप ये इजी में बता देती हूँ मैं आपको। जैसे ये हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ करेंगे,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब आपको अपने स्केल से, रूलर से ये लाइंस इस तरह से खींचनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास 100 स्क्वायर बन गए ऐसे इजीली। अब आप चाहो तो आप अपनी कॉपी में ऐसे करके कर सकते हो या फिर बुक में पेंसिल से आप कर सकते हो, ठीक है। 10 रोज और 10 कॉलम इस तरह से आप ड्रॉ करना और फिर ये 9.1 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे 9.2 एंड 9.3। थैंक यू।